संभल में बाल श्रमिकों को चिन्हित करने को निकले श्रम विभाग के अधिकारियों को दुकानों और वर्कशॉप पर काम करते 3 बाल श्रमिक मिले। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बाल श्रम अधिनियम के तहत नियोक्ता एवं मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की। बाल मजदूरी मामले में कार्रवाई के नियोक्ताओं के साथ मजदूरी करने वाले बाल मजदूरों के परिवारों में भी हड़कंप मच गया। देखना यह है कि श्रम विभाग वास्तव में बाल मजदूरों को बाल मजदूरी से मुक्ति दिलाकर उनका बचपन लौटा सकेगा या सरकार के आदेश पर शुरू किए गए इस अभियान की औपचारिकता भरकर इतिश्री कर लेगा। यहाँ बताना जरूरी है कि संभल शहर में बाल मजदूरों की संख्या हजारों में है, जो रोजमर्रा के तमाम काम के साथ ही खतरनाक तकनीकी काम भी करते हैं, जिसमें मशीनों और केमिकल के खतरनाक काम भी शामिल है। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाल मजदूरी और खतरनाक काम करने वालों में अल्पसंख्यक है, जिनके उत्थान के तमाम सरकार दावे करती रही है। के अंतर्गत ये बाल श्रम चिन्हांकन का कार्य चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसी के तहत संभल में भी ये आज एक दिन और बहजोई में हुआ था 7 अप्रैल को, और आज फिर जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। मेरे साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी चंदौसी भी मेरे साथ है। मैं ब्रजनंदन ओझा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी संभल, और साथ में SI कोतवाली से स्टाफ से हम लोग चिन्हांकन का कार्य कर रहे हैं। इनके खिलाफ हम बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। और इनसे अब तक कितने बच्चे देख, अब तक हम लोग इस अभियान में 3 बच्चे देख चुके हैं, और आज आपके इस बच्चों के पहले भी हम लोगों ने 3 बच्चे चिन्हित कर चुके थे। आज कुल मिलाकर के 6 बच्चे अभी तक चिन्हित हो चुके हैं। ये और कुछ पूछना, कहाँ पर ये बच्चे? एक तो मुंसिफी के पीछे भी 2 बच्चे चिन्हित किए गए, एक बच्चा यशोदा मार्केट के पास चिन्हित किया गया, और एक बच्चा जो है हिंद मोटर्स जहाँ हमने शुरुआत की है। अब तक कुल 7 बच्चे हो गए आज ये मिला के। ये बाल श्रम अभियान चलाया जा रहा है, ये 30 अप्रैल तक चलेगा। यह शासन की समय प्राथमिकता पे है, जो नाबालिग बच्चे 18 साल की नीचे कम आयु के इस प्रकार के खतरनाक कार्यों में काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। मेरे साथ श्रम प्रवर्तन अधिकारी चंदौसी, मैं ब्रजनंदन ओझा, मेरे साथ में SI, ये हम अभियान चला रहे हैं। 30 अप्रैल तक निरंतर अभियान चलेगा।